हेलो एवरीवन, क्या आपने कभी सोचा है कि आपको भी स्टार्टअप करना चाहिए? आपके माइंड में भी कभी ना कभी एक आइडिया तो जरूर आया होगा कि मुझे भी अपना बिजनेस शुरू करना चाहिए, लेकिन अगले दिन आप उसी आइडिया उसी एनर्जी को छोड़कर अपनी सेम जॉब में चले जाते हो और ये सोचते हो कि बिजनेस करने के लिए आपको अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी। सो, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाएं विदाउट क्विटिंग योर जॉब। आप भी अपना बिजनेस चला सकते हो इवन यू आर इन अ जॉब। सो लेट्स कंटिन्यू। ऑथर कहते हैं कि एंटरप्रेन्योर बनना और स्टार्टअप करने के लिए हर किसी को लगता है कि एक बहुत अमेजिंग आइडिया चाहिए, लेकिन एक अमेजिंग आइडिया से भी बढ़ के होता है कि आपका ये सोचना कि आप एक एंटरप्रेन्योर या फिर अपना खुद का स्टार्टअप करना चाहते हो। क्योंकि एक नॉर्मल डे पे या फिर अपने आसपास भी देख लो, चाहे कोई कितना भी ब्रिलियंट क्यों ना हो, कोई भी एक एंटरप्रेन्योर बनने के बारे में नहीं सोचता। सपोज करो अभी आपके पास कोई एक बहुत ब्रिलियंट आइडिया है, या फिर नहीं है तो भी चलेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ऑथर वो कहते हैं आपका सबसे बड़ा असेट हो आप खुद, मींस यू। सो स्टार्टअप करने से पहले आपको आपकी स्ट्रेंथ मींस आप किस चीज में अच्छे हो, सेकंड योर पैशन व्हाट यू लव डूइंग, योर मनी मेकिंग एबिलिटी मींस क्या आप अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बना सकते हो, फोर्थ योर पर्पस मींस आपका ड्रीम क्या है एक्चुअल में, व्हाई यू आर क्रिएटिंग अ बिजनेस, बिकॉज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपका स्टार्टअप will affect your personal life either mentally or physically. Mentally means आप tension में रह सकते हो most of the time, stress या फिर बहुत सारी worries, और physically means you might lose your money, आपके finances बिगड़ सकते हैं और आपकी social life खराब हो सकती है आपके friends और families के साथ। That's why मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक स्टार्टअप इज रिस्की, जो कि समाओ है भी अगर आप उसे सही ढंग से ना करो और यू डू इट विदाउट प्लानिंग। ऑथर कहते हैं कि अपने स्टार्टअप की बिगिनिंग में या फिर उससे थोड़ा पहले आपको कुछ 6 फैक्टर्स हैं जिनका पता होना चाहिए, जिसमें सबसे पहला आता है टारगेट सेगमेंट, मीन्स वो कौन लोग हैं जो आपका प्रोडक्ट और सर्विस खरीदना पसंद करेंगे, जो आपको पे करेंगे, वो कौन से लोग हैं जिन्हें आप टारगेट कर रहे हो। सेकंड है रीच, जो सबसे सिंपल है, मींस आप उन तक कैसे पहुंचोगे, आप कैसे पहुंचोगे अपने टारगेट सेगमेंट तक, उन लोगों तक जो आपको पे करेंगे आपके सर्विस या फिर प्रोडक्ट के लिए। थर्ड इज प्रॉब्लम, उन लोगों की प्रॉब्लम क्या है, क्या आपने उनकी प्रॉब्लम अभी तक फिगर आउट की है, उन्हें क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है अपनी डेली बेसिस पे। फोर्थ इज सॉल्यूशन, क्या आपने उनकी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन निकाला है, कैसे आप उनकी प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर पाओगे जिनसे उन्हें दोबारा वो प्रॉब्लम अपनी लाइफ में ना हो। फिफ्थ इज अप्रोच, आप कैसे उन टारगेट सेगमेंट के लोगों को पेइंग कस्टमर में कन्वर्ट करोगे, कैसे वो आपको पे करें उस सर्विस और प्रोडक्ट के लिए जो आप उन्हें प्रोवाइड कर रहे हो। एंड द लास्ट इज प्राइस और कॉस्ट, मींस आपके कस्टमर्स कितना विलिंगली पे कर सकते हैं, द अमाउंट दे कैन पे टू योर प्रोडक्ट और सर्विस। सो ये टोटल 6 फैक्टर्स अगर आपको पता होंगे ना, तो आप बहुत इजीली अपना स्टार्टअप ग्रो कर पाओगे। सो स्टार्टअप करने से पहले आप थोड़ा रिसर्च कर ले अपनी मार्केट के बारे में, थोड़ा प्लानिंग कर ले कि आपका बिजनेस मॉडल कैसा होगा, कितना अमाउंट ऑफ मनी लगेगा, मींस फाइनेंस लगेगा आपके स्टार्टअप को ग्रो करने के लिए, और क्या आपको को फाउंडर या फिर मेंटर चाहिए अपने स्टार्टअप के लिए, जिसे मैं थोड़ा आगे जाके बताऊंगा इसी वीडियो में। क्योंकि एक्चुअल में आपको इतना अमाउंट ऑफ मनी चाहिए ही नहीं होता जब आप अपने बिगिनिंग स्टेज में होते हो अपने स्टार्टअप के लिए। क्यों, आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। एक बार ऑथर के फ्रेंड थे, सो उन्हें उनकी जॉब से निकाल दिया गया, तब उन्हें अपनी डेली नीड्स पूरी करनी थी, अपनी लिविंग के एक्सपेंसेस पूरे करने थे और अपनी फैमिली को सपोर्ट भी करना था। समहाउ कहें तो
उन्हें बहुत ज्यादा जरूरत थी इस टाइम पैसे की, वो भी जल्दी। तो उन्होंने एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन की साइड बिजनेस के लिए, जो कि डायरेक्ट सेलिंग पे बेस्ड होती है, लेकिन उनको उससे इतनी जल्दी प्रॉफिट नहीं हो रहा था और उन्हें एक फुल टाइम जॉब चाहिए थी। सो उन्होंने अपने अंदर फिगर आउट किया तो उनके पास एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से एक अच्छी डिग्री पड़ी थी मैथमेटिक्स की, और वो मैथ में काफी अच्छे भी थे और उन्हें टीचिंग से प्यार भी था। सो उन्होंने अपने मेंटोर से पूछा और डिस्कस किया तो उन्होंने उन्हें बताया कि तुम उन वेबसाइट्स पे जाओ जो तुम्हें उन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के साथ कनेक्ट करवा सके जिन्हें मैथ्स में प्रॉब्लम आती है। और उसी दिन से उन्होंने दो बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया एंड ही वॉज जनरेटिंग रियल कैश। आगे जाके उन्होंने थोड़ी मार्केटिंग की, जैसे माउथ ऑफ वर्ड, न्यूज़पेपर एड्स, कैंपेन्स चलाई और इंटरनेट और वीडियो एड्स बनाई, जिससे हुआ क्या, और भी ज्यादा बच्चों को पता चला जिन्हें मैथ्स में प्रॉब्लम आती थी, जिससे वो अपनी प्रीवियस जॉब से काफी ज्यादा कमा रहे थे। आगे जाके उन्होंने कुछ स्पेशल क्लासेस भी चलाई स्पेशल टॉपिक्स पे, उन्होंने डिफिकल्ट टॉपिक्स के लिए अलग से क्लासेस चलाई, उनके नोट्स दिए, जिससे हुआ क्या, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों उनसे सेटिस्फाइड थे। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स का मनी सही जगह लग रहा था, क्योंकि उनके बच्चों के ग्रेड्स अच्छे आ रहे थे और ऑथर के फ्रेंड की स्किल्स भी काफी अच्छी थी मैथ्स पढ़ाने की। सो अगर हम पिछली बातों को रिकैप करें, ऑथर के फ्रेंड की अगर हम बात करें तो उनकी स्ट्रेंथ थी मैथ्स पढ़ाना, उनका पैशन था टीचिंग, उन्हें पढ़ाने में मजा आता था, उन्होंने उस स्किल से पैसे भी कमाए ट्यूशन देके, जिसे बोलते हैं मनी मेकिंग एबिलिटी, और उनका पर्पस था मनी जनरेट करना क्योंकि उनकी जॉब छूट चुकी थी। सो अगर मैं इसे दो बातों में कैटेगराइज करूं, सपोज करो अगर इन्होंने बाकी लोगों की तरह एक यूजुअल अप्रोच रखी होती, मींस उनको एक आइडिया आया कि वो मैथ्स पढ़ाने में अच्छे हैं, उन्होंने काफी टाइम लगा दिया उस आइडिया को डिजाइन करने में, उन्होंने एक कंपनी क्रिएट की, उसकी वेबसाइट बनाई, बिजनेस कार्ड्स बनाए, जिससे होता क्या, उनके सिर्फ खर्चे बढ़ते और उनके पास उस वक्त इतना अमाउंट ऑफ मनी था ही नहीं कि वो एक कंपनी क्रिएट कर सकते थे। सो उन्होंने क्या फिगर आउट किया, उन्होंने अपने स्ट्रेंथ, पैशन और अपनी एबिलिटीज को देखा, उन्होंने अपने आप को फिगर आउट किया कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या वैल्यू प्रोवाइड कर सकता हूँ लोगों को। उन्होंने स्टार्टिंग में दो स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू किया, फिर उन्होंने और रिकमेंड किया कि तुम उन बच्चों को जाके बोलो जिन्हें मैथ्स में प्रॉब्लम आती है, और उनका वे ऑफ टीचिंग काफी अलग था और उनके कॉन्सेप्ट्स काफी आसानी से स्टूडेंट्स को समझ आ रहे थे। फिर उन्होंने, जैसे उनकी अर्निंग आना शुरू हुई, तो उन्होंने छोटी छोटी कैंपेन्स चलाए, इंटरनेट एड्स चलाए, लोगों को बोला, जिसे हम वर्ड ऑफ माउथ बोलते हैं, रेफर करने को बोला, जिससे हुआ क्या, ऑथर के फ्रेंड अपनी प्रीवियस जॉब से काफी ज्यादा अर्न कर रहे थे और एक सिक्स फिगर सैलरी कमा रहे थे। सो उन्होंने उन छह चीजों को फिगर आउट कर लिया जो मैंने आपको पहले बताई थी, जिसमें पहला था टारगेट सेगमेंट, कि वो टारगेट किसे कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स को जिन्हें मैथ्स में प्रॉब्लम है, वो कैसे पहुंचे उन तक, उन्हें उनके मेंटर ने बताया कि उन वेबसाइट्स पे जाओ जो तुम्हें उन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के साथ लिंक करवा सके, उन्होंने उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया बाय गिविंग देम ट्यूशंस, जिससे हुआ क्या, वो विलिंगली उन्हें पे कर रहे थे उनकी सर्विस के लिए। सो हर किसी को लगता है कि एक अमेजिंग बिजनेस शुरू करने के लिए या फिर एक सक्सेसफुल बिजनेस शुरू करने के लिए आपको बहुत सारे पैसे की जरूरत है, लेकिन ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि हम ऑथर के फ्रेंड की बात करें तो उन्होंने बहुत ही स्मॉल अमाउंट से अपने आप को एक सिक्स फिगर अर्निंग पे लाके खड़ा कर दिया। उन्होंने स्टार्टिंग में स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स रखी और जब उन्हें उसे अर्निंग आना स्टार्ट हुई तब जाके उन्होंने और इन्वेस्टमेंट की। सो माई वन ऑफ द बेस्ट एडवाइस इज स्टार्ट स्मॉल, थिंक बिग। और अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं तो आप सबने खान अकेडमी के बारे में तो जरूर सुना होगा। वो एक्चुअल में एक बहुत स्मॉल स्टेप से स्टार्ट हुई थी। सलमान खान जो फाउंडर है वो ग्रेजुएट है हार्वर्ड से और एक अच्छी फुल टाइम जॉब कर रहे थे। इन 2004 वो अपने कजन को प्राइवेट ट्यूशन देना शुरू किया, क्योंकि उनका कजन दूसरी सिटी में रहता था तो वो उन्हें फोन और इंटरनेट पे पढ़ाते थे ऑनलाइन, और एक नोटपैड प्रोग्राम यूज करते थे ताकि वो उसे मैथ्स के सॉल्यूशन सॉल्व करके दिखा पाए, जिससे हुआ क्या, उनके कजन का भाई भी उन्हें रिक्वेस्ट करने लगा उन्हें पढ़ाने के लिए। सो सलमान ने क्या किया, अपने लेक्चर्स के वीडियो रिकॉर्ड करके वेबसाइट पे अपलोड करना शुरू किया यूट्यूब पे,
और आगे जाके उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस डाली, जैसे फिजिक्स, मैथ्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एसेट्रा। और 2013 तक उन्होंने अपनी वेबसाइट बना दी खान अकेडमी, जिसमें ऑल अराउंड 3000 वीडियोस थी डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे। उनकी वेबसाइट ऑलमोस्ट 28 मिलियन प्राइवेट वीडियोस डिलीवर करती थी और हर महीने मिलियंस ऑफ यूजर्स उनकी वेबसाइट पे विजिट करते थे। जिससे हुआ क्या, उन्होंने अपनी फुल टाइम जॉब छोड़ के पूरा फोकस अपनी वेबसाइट पे देना शुरू कर दिया खान अकेडमी पे। सो मींस अभी तक वो सारी चीजें पार्ट टाइम कर रहे थे, मींस अपनी जॉब करके जो फ्री टाइम उनके पास बचता था वो उस फ्री टाइम में वीडियोस रिकॉर्ड करके अपनी वेबसाइट पे डालते थे। सो हम इसे ये सीख सकते हैं कि हमें एक्चुअल में इतना अमाउंट ऑफ मनी चाहिए नहीं होता। कुछ स्टार्टअप में होता है जिसमें हमें काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ मनी चाहिए, लेकिन वो भी स्टार्टिंग में एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट से ही शुरू होता है। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं इस बुक का सेकंड पार्ट भी बनाऊंगा जिसमें मैं और चीजें बताऊंगा आपको, आपको कैसे अपना स्टार्टअप करना चाहिए, साइड बिजनेस करना चाहिए, इवन यू आर स्टडिंग और डूइंग अ जॉब। सो आपको मैंने जो ये बातें बताई हैं और जिस बुक से बताई है उस बुक का नाम है एंटरप्रेन्योर 5 PM to 9 AM। अगर आपको ये बुक चाहिए तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को और अपने मुझे व्यूज जरूर कमेंट करके बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब करें चैनल को, हिट करें नोटिफिकेशन बटन पे जिससे आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें। आप मुझे नीचे दिए गए किसी भी सोशल नेटवर्क पे फॉलो कर सकते हैं, मैं मैक्सिमम इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ज्यादा एक्टिव रहता हूँ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।